वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी। कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी जो एकेडमी है, डिफेंस के अलावा जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आपके रेलवे हो गया, आपके क्लर्कल एग्जामिनेशंस हो गए, या वन डे जो भी परीक्षाएँ हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है ना। तो उसी के तहत हमारे यहाँ कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे जिनका सिलेक्शंस रेलवे ग्रुप डी में हुआ है। उन्हीं में से एक बच्चे आज हमारे यहाँ आए हुए थे। आज के दिन संडे है, संडे के दिन हमारी एकेडमी नहीं चलती है, तो हमने डिसाइड किया कि उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ सेलेक्टेड बच्चे आते हैं, उन सेलेक्टेड बच्चों का हमारे यहाँ क्लासरूम में एक बारी रूबरू जरूर करवाया जाता है, बच्चों से मुलाकात जरूर करवाई जाती है, उनकी स्ट्रेटजी बच्चों को बताई जाती है कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, किन किन किताबों से की, और उन्होंने उनकी तैयारी में क्या क्या समस्याएं आई, है ना। तो जैसा कि आज एकेडमी नहीं चल रही है, तो हमने सोचा जो हमारे यहाँ बच्चे आए हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उनका आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। तो आज जो बच्चे हमारे पास हैं, उनका नाम मंगलदीप है, जो कि 2019 रेलवे ग्रुप डी में जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो आइए मंगलदीप का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगलदीप जी, थैंक यू सर। और आइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की और किन किन किताबों से शुरू की? सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। जहाँ तक मेरी तैयारी का सवाल है, तो ये फॉर्म जो आया था ग्रुप डी का, वो 2019 में फरवरी मंथ में आया था। तो मैंने वो 2019 में फरवरी मंथ में इसका फॉर्म डाला। फिर कुछ दिन तक मैंने इसका प्रिपरेशन नहीं शुरू किया था। लगभग 6 महीने, जब इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो प्रिपरेशन करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो जैसे जैसे समय बीता, तब तक बीतते बीतते 1 साल हो गया। उसके बाद से जब लॉकडाउन लगा, तो फिर लॉकडाउन में मेरा नरेंद्र सर के साथ मुलाकात हुआ। तो इनके ही सलाह पर मैंने इनके सलाह पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद से मैं प्रिपरेशंस करना शुरू कर दिया। उसके बाद से जब इसका ग्रुप डी का जब सीबीटी हुआ 2 साल बाद 2022 में, तो सीबीटी क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, फिर डीवी देने के बाद से मेरा पैनल में नाम आया और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक यू। फॉर्म भरने के बाद जो एग्जामिनेशंस का जो गैप था, एग्ज़ाम और फॉर्म के बीच में गैप था, वो गैप लगभग 1.5 साल का रहा था। तो उन 1.5 सालों में क्या क्या डाइवर्जन आया आपके मन में, क्या कैसी कैसी समस्याएं आई कि एग्ज़ाम की तैयारी की जाए कि ना की जाए, क्या एग्ज़ाम से आप कितना डाइवर्ट हुए थे? फॉर्म भरने और एग्जामिनेशन देने के बीच में का जो समय था, वो 1.5 साल नहीं, लगभग 2.5 साल का समय था। तो 2.5 साल के समय में मैंने भी मतलब नहीं ऐसा सोचा था कि इतना लंबा खींचेगा टाइम, कि रेलवे इतना लेट करेगी एग्जामिनेशन कराने में। तो मैंने शुरू में कुछ तैयारी करा था, बट रेलवे का कोई नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण मैंने धीरे धीरे मेरा ध्यान इससे हट गया। बाकी मतलब अदर अदर कंटिन्यूटी टूट गई जी थी। जी बाकी अदर एग्ज़ाम्स की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तो मेरे पास सिवाय इसके रेलवे ग्रुप डी के और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए का कोई मतलब औचित्य नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप नहीं किए थे। तो मेरा सारा फोकस इसी पे था। तो मैं इसका तैयारी करने लगा, और लगभग 2022-23 में 2022 में इसका एग्जामिनेशन हुआ, और फिर फिजिकल, मेडिकल, और फिर वो पैनल में नाम आया 23 में। इस तरह से मैं फिजिकल की तैयारी के समय आपको क्या क्या समस्याएं आई, क्या उसके बारे में बताइए थोड़ा बच्चों को। फिजिकल के लिए, जैसे कि मैं शुरू से ही पढ़ने में ठीक था, औसतन औसत बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकल में मैं बिल्कुल ही मतलब लो था। फिजिकल मेरा सही नहीं था, क्योंकि मैं पहले किसी भी एग्ज़ाम का फिजिकल का तैयारी नहीं करा था।
तो इस वजह से मैं फिज़िकल के लिए बहुत रिटेन तो मैं जानता था कि निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिज़िकल के लिए मेरा मतलब एसएससी जीडी का, इससे पहले मैंने एसएससी जीडी का 2018 में फॉर्म भरा था, तो मैं मेरा रिटेन हो गया था और फिज़िकल में ही जाके मैं डिसक्वालीफाई हो गया। तो वहीं मैं उसी की को लेके चिंता थी कि मुझे कि फिज़िकल इसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस में नरेंद्र सर के मार्गदर्शन में मुझे बताया गया कि फिज़िकल की तैयारी कैसे करनी है। उन्होंने साथ में कई बार मुझे साथ में ले जाके फील्ड में, एकेडमी के जो हाँ बच्चे हैं उनके साथ जी, आपने उनके फिजिकल साथ की तैयारी की। तैयारी करा, उसके साथ साथ सर भी वहाँ पे ग्राउंड पे ले जाके और मेरा फिज़िकल देखने बार बार हमेशा आते थे, और वो कुछ बच्चों के साथ मेरा फिज़िकल भी कराते थे। तो उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप, उनके मतलब मार्गदर्शन में ही मैं फिज़िकल क्वालिफाई कर पाया। बीच में मेरा जो एंकल होता है वो सूज गया था फिज़िकल की तैयारी करते वक्त। फिर सर ने बताया कि थोड़ा, अब देखिए ये ऐसा चीज़ है कि जब एंकल में थोड़ा पेन हो या सूज जाए तो उसमें उस समय दौड़ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, आपका दौड़ बन गया है, आप 100% निकाल लेंगे। तो मैंने सर का कहा अनुसार बातों को फॉलो किया और कुछ दिन आराम किया, और मेरे ठीक फिजिकल देने के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद से मैंने खास ध्यान रखा पैरों का, और उसके बाद से मैं डायरेक्ट वहीं पे जाके फिजिकल दिया और मेरा क्वालिफाई हो गया। आपने जो सीबीटी की परीक्षा थी, उन सीबीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए किन किन किताबों को फॉलो किया और टीचर का गाइडेंस कैसा रहा आपको? सीबीटी की तैयारी मैंने इन्हीं के सर के मार्गदर्शन में स्टार्ट किया था। सर ने ही कुछ बुक्स रिकमेंड किए थे मेरे को, तो जैसे कि साइंस के लिए सबसे पहले तो साइंस की बात जहाँ तक की जाए तो साइंस के लिए सर ने बताया था कि लूसेंट फॉलो कीजिए, वो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए वो रामबाण होता है। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे पैटर्न इसका चेंज हुआ, जैसे हमें मालूम चला नेट के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, कि आजकल ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी किताबों को ही पूछ रहा है, तो हमने 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी किताबों पर फोकस करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जो किसी टॉपिक का 50 क्वेश्चन, किसी भी एक टॉपिक का या 100 क्वेश्चन, उसको ऑनलाइन लगाता था अपने से ही घर पे बैठ के, जिससे कि मेरा तैयारी साइंस में अच्छा हो गया। उसके बाद से जहाँ तक मैथ्स की सवाल है, तो मैथ्स मैं पढ़ाता भी था स्कूलों में, तो मैथ्स तो मेरा बेसिक सही था। बाकी जहाँ कंपटीशन की बात है, तो कंपटीशन के लिए मैंने प्लेटफॉर्म की बुक ले रखी थी पहले से ही, तो उससे मैं प्रैक्टिस करता था। साथ में कभी सर का भी जो वीडियो आता था, तो उसको वीडियो, मैथ्स की वीडियो, उसको देख के नोट्स बनाता था और साथ में क्वेश्चंस हल करता था, जिससे कि मेरा मैथ्स सही हो गया। रीजनिंग के लिए मैंने एस चंद की एक किताब आती है वर्बल रीजनिंग करके, उसको मैंने फॉलो किया, और रीजनिंग में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से हो जाता है। जहाँ तक जीके की बात है, तो जीके जो है वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि जीके में कितना पूछेगा, कितना करंट पूछेगा, कितना हिस्ट्री पूछेगा। तो ये जीके के लिए मैंने जो मोटा मोटी स्टैटिक जीके था उसको याद करा था, और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देखता था। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स देखने के कारण ही मेरा जीके लगभग, जैसे कि जीके मतलब 50% सही हो गया। तो बाकी कितना भी आप जीके पढ़ के जाइए, लेकिन आपका जीके में छूटना ही है। फिर भी मेरा ठीक ठाक स्कोर हो गया। मैंने टोटल 76 क्वेश्चन सही किए थे आउट ऑफ 100, जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन सही हो गया। आपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए किसी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर खुद से ही टेस्ट का प्रैक्टिस किया था? जैसे कि ग्रुप डी की तैयारी करते वक्त हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था, उसमें 4-5 कैंडिडेट्स थे। लाइब्रेरी में तो, ग्रुप बना जी, दिया। तो ग्रुप बना था, तो उस ग्रुप में हमने क्या किया, हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का सेट मंगा रखा था वॉल्यूम 1 से लेके 4 तक का, और पर डे उस सेट को लगाते थे। उस सेट लगाने के कारण हम लोगों का थोड़ा सा सेट लगाने के कारण हम लोगों का मतलब जो मोटिवेशन था, वो पर डे हम लोग सुबह में आते ही समय पहले सेट लगाया करते थे, जिससे के कारण हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ता था एग्ज़ाम के प्रति। और उसके बाद सेट लगाने के बाद हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करते थे कि कहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन, कहाँ डाउट है, कहाँ हम लोगों का कॉन्सेप्ट सही है। जहाँ डाउट होता था उसको क्लियर करते थे आपस में बैठ के,
उसके बाद से सर क्या करते थे कि किसी एक टॉपिक को दे देते थे, उस 5 पेज स्पीडी का, उसको घर से आपको पढ़ के आना है, और उसी को हम लोग घर पे अब क्या करते थे, रिवाइज करते थे, और अगले दिन सर उसका क्यूज खेलाते थे, जिससे कि आप तुरंत क्वेश्चन हुआ तुरंत क्यूज होता था, मतलब आंसर देना होता था, जो मतलब दो हम लोगों का ग्रुप को दो भागों में बांट के और क्यूज खिलाते थे, जिसके कारण हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर देना एक बिल्कुल जुबानी, हाँ जुबानी एकदम याद हो गया क्वेश्चन जी, प्रैक्टिस हो गई, जिस वजह से हम लोग का मतलब एग्ज़ाम सही से गया। देखिए, जैसा कि आपको बार बार क्लासरूम में कहा जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अब जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्लास नोट्स, फिर किताब से पढ़ना, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज लगाना, तो ये एक प्रॉपर आजकल एग्जामिनेशंस पास करने का तरीका हो गया है। यदि इन तीनों स्टेप्स में से आप कोई भी स्टेप यदि छोड़ते हैं तो आपके लिए कोई परीक्षा बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों वो परीक्षा क्यों ना ग्रुप डी हो या IAS की परीक्षा क्यों ना हो, ये सारी परीक्षाएं आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो चलिए, इसी के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एकेडमी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।